नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक काढ़ा पाउडर बनाकर बता रही हूँ। जैसे हम रोज की व्यस्तता में काढ़ा नहीं बना पाते हैं, तो ये पाउडर जब आपके पास बना रहेगा तो आप इसे कंटिन्यू लेते रहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पाउडर को कैसे तैयार करना है, और मैं ये भी बताऊंगी कि हमें इसे किस तरीके से कितना लेना है। एक काली मिर्च है 2 चम्मच, लौंग है 2 चम्मच, आंवला किसा हुआ सूखा है 2 चम्मच, एक तुलसी की पत्तियां हैं, इसको हमने सुखा लिया है, तुलसी की पत्ती ले लेंगे। ये दालचीनी है, दालचीनी को ले लेंगे। हल्दी पाउडर है 2 चम्मच। इन सभी को फाइन पाउडर बना लेंगे। हमने अच्छी तरह से पीस लिया है और मैदे की छन्नी से छान लिया है, क्योंकि इसे हमें खाने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हमें इतना पाउडर हर दिन सुबह के सुबह नॉर्मल पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ लेना है, और इसे 15 साल से बुजुर्ग तक इतना ले सकते हैं, और यदि 5 साल का बच्चा और उससे 10-15 साल तक के बच्चे इतना लेंगे, और बिल्कुल छोटे बच्चों को यदि हमें देना है तो जैसे हमने सब 2-2 चम्मच लिए हैं, 2-2 चम्मच के हिसाब से इसमें मिश्री मिला दीजिए, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा तो इसे हम 5 साल से कम बच्चों को भी दे सकते हैं। थोड़ा सा मीठा हो जाएगा तो बच्चों को लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें हमने जितनी भी चीज़ें मिलाई हैं, हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है और तुलसी की पत्ती, ये अलग अलग भी पूरे सब चीज़ें भी शरीर के लिए बहुत फ़ायदा करती हैं। और इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो हमने आपको काढ़े का पाउडर बना के दिया है, ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जो वायरस से लड़ने के लिए हमें ताकत देगा। तो इस प्रकार से आप ये पाउडर बना कर रख लीजिए, और रोज़ जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है इतनी मात्रा के हिसाब से आप लेती रहिए, और एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आप इसको बना कर रख लीजिए, और मैं एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों।